हिमाचल प्रदेश का भी जिक्र कर लेते हैं। हिमाचल में बर्ड फ्लू संकट के बाद जम्मू में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाइल्ड लाइफ ने पक्षियों के सैंपल लेने शुरू किए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की झील में किस तरह से प्रवासी पक्षी जो थे 2400 से ज्यादा वो बर्ड फ्लू की चपेट में आ गए थे, उसके चलते अब जम्मू में भी अलर्ट जारी किया गया है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने पक्षियों के सैंपल लेने शुरू किए हैं। जालंधर लैब में होगी पक्षियों के सैंपल की जांच। सभी वेटलैंड्स पे वाइल्ड लाइफ की टीम्स जो हैं, वेटनरी की टीम्स हैं, वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री की टीम्स हैं, वो प्रॉपर विजिट्स कर रहे हैं और सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। अभी तक ऐसा इस बीमारी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसा पूरी यूटी में रिपोर्टेड नहीं है, पर डिपार्टमेंट्स को अलर्ट साउंड कर दिया गया है। स्टाफ 24 आवर नज़र रखे हुए हैं बर्ड्स की एक्टिविटीज़ पे। कोई भी ऐसा अगर इंसिडेंट रिपोर्ट होता है या नोटिस में आता है, वो इमीडिएटली गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली एक्ट करेगी। और जम्मू से ही हमारे संवाददाता अंकित भट्ट इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। जम्मू से क्या अपडेट आप अंकित देना चाहेंगे? बर्ड फ्लू का खतरा जो है वो कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? कंफर्म्ड केसेस क्या अभी तक कोई पाए गए हैं? देखिए समीर, अगर कंफर्म केसेस की बात की जाए, अभी तक कोई कंफर्म केसेस नहीं है, लेकिन एक अहम बात मैं आपको समीर बता दूं कि हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल के कांगड़ा में जिस तरीके से महज 180 किलोमीटर दूर कांगड़ा पड़ता है जम्मू से, जहां पर बर्ड फ्लू देखा गया एक खास प्रजाति के पक्षी में जिसका नाम है बार हेडेड गीज। ये प्रवासी पक्षी है, यहाँ यानी कि जम्मू के गराना वेटलैंड में भी आते। 150 से अधिक जो पक्षी है, यानी कि जो 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षी है, खासतौर पे प्रवासी पक्षी, वो यहाँ पे आते हैं। जिस तरीके से कांगड़ा के अंदर बर्ड फ्लू के सिम्टम्स देखे गए, उसके बाद गराना वेटलैंड के अंदर पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनिमल हस्बेंड्री की टीम और साथ में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम जो है वो यहाँ पे पहुँच रही है। कल कुछ सैंपल्स लिए गए थे पक्षियों के और उनको जलंधर भेज दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच ऑब्जर्वर टीम जो है वो यहाँ पे तैनात की गई है। जम्मू के लखनपुर, यानी कि जम्मू का एंट्री पॉइंट जो है लखनपुर, वहाँ पे सैंपल्स जो है खासतौर पर मुर्गियों का, मुर्गों का, चूजों का लिया जा रहा है, और पूरी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी अलर्ट है। जम्मू में ये सैंपल टेस्ट नहीं हो सकते अंकित? जम्मू में सुविधा नहीं है, जालंधर भेजना पड़ता है? नहीं, देखिए कल हमने बात भी की थी, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे पास जितने भी हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं ये जालंधर की लैब में ही जाएंगे। अच्छा। जम्मू के अंदर फिलहाल कुछ ऐसी जो सैंपलिंग है, जो टेस्ट है, वो नहीं होता है। लेकिन इन सब के बीच समीर चिंता का विषय ये है कि जिस तरीके से कांगड़ा के अंदर बार हेडेड गीज पक्षी जो है उसमें बर्ड फ्लू देखा गया, ऐसे में जम्मू में कई जो बार हेडेड गीज है वो गराना वेटलैंड पहुंचते हैं। कईयों के तो कल सैंपल लिए गए, अब इंतजार करना पड़ेगा जो कल सैंपल लिए गए क्या उनको जालंधर की लैब के अंदर क्या कुछ देखा जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, ये काफी अहम बात रहेगी और चिंता का विषय जरूर बनता हुआ। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।